नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रतिलेखन संख्या 55 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे, पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जाकर के देख लें। उसमें हमने एक एक शब्द की आउटलाइन को लिख करके बता रखा है। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद, तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है। उन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब कोई भी कर से बच ना पाए, लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, उनको कर से कुछ मुक्त किया है, कुछ सुविधाएं दी हैं। मैं नहीं समझ पाया हूं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। वह जो चाहेंगे उसको करेंगे, लेकिन मैं भी जो सोचता हूं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। पैरा, इस विषय पर 3-4 दिन से चर्चा हो रही है, मैंने उसको सुना है। इस या उस पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर जो कर लगाया गया है वह उचित है। सभी ने यह कहा है कि उसको माफ कर दिया जाना चाहिए। जब सारे सदन के लोग, सभी प्रतिनिधि एक आवाज से कहते हैं कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर कर ना लगाया जाए, तो मैं समझता हूं कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हों, उनके उत्पादन में बाधा पड़े। पैरा, भारत गांवों में बसता है, 80% लोग गांवों में रहते हैं। हम गांधी जी के विचारों का अनुपालन करते हैं। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा गांव के लोगों के लिए कहा, ग्रामीण जनता के लिए कहा। उन्होंने गांवों के लोगों को उठाने की बात कही। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों के रहने वाले लोगों की ही उन्नति हो और गांवों में रहने वालों की ना हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। वित्त मंत्री महोदय भी गांधी जी का शिष्य अपने आप को कहते हैं और उनका रूप अपने रूप में देखते हैं, और वह हैं भी। इसलिए उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि गांधी जी के विचार के अनुसार वह सारे देश में मद्य निषेध को कार्यान्वित करें। क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, इसलिए वह पशुधन को बढ़ाएं, उन्नति की व्यवस्था करें और सारे देश में गौवध को बंद कर दें। सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में समाजवादी समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। इस समय देश में आर्थिक
विषमता अधिक है। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है। उन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब कोई भी कर से बच ना पाए, लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनको कर से कुछ मुक्त किया है, कुछ सुविधाएं दी हैं। मैं नहीं समझ पाया हूं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। वह जो चाहेंगे उसको करेंगे, लेकिन मैं भी जो सोचता हूं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। पैरा, इस विषय पर 3-4 दिन से चर्चा हो रही है। मैंने उसको सुना है। इस या उस पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर जो कर लगाया गया है वह उचित है। सभी ने यह कहा है कि उसको माफ कर दिया जाना चाहिए। जब सारे सदन के लोग, सभी प्रतिनिधि एक आवाज से कहते हैं कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर कर ना लगाया जाए, तो मैं समझता हूं कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हों, उनके उत्पादन में बाधा पड़े। पैरा, भारत गांवों में बसता है। 80% लोग गांवों में रहते हैं। हम गांधी जी के विचारों का अनुपालन करते हैं। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा गांवों के लोगों के लिए कहा, ग्रामीण जनता के लिए कहा। उन्होंने गांवों के लोगों को उठाने की बात कही। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों के रहने वाले लोगों की ही उन्नति हो और गांवों में रहने वालों की ना हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। वित्त मंत्री महोदय भी गांधी जी का शिष्य अपने आप को कहते हैं और उनका रूप अपने रूप में देखते हैं और वह हैं भी। इसलिए उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि गांधी जी के विचार के अनुसार वह सारे देश में मद्य निषेध को कार्यान्वित करें। चूंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, इसलिए वह पशुधन को बढ़ाएं, उन्नति की व्यवस्था करें और सारे देश में गौवध को बंद कर दें। सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में समाजवादी समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। इस समय देश में आर्थिक विषमता अधिक है। स्टॉप।